बाइक गियर चैनल में आपका स्वागत है। बहुत कुछ जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम आपको दमदार गाड़ियों के तौर पर पहचान बनाने वाली फोर्ड एंडेवर के फेसलिफ्ट अवतार को पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कंपनी ने इसे इसी साल मई 2018 में इसे दुनिया के सामने पेश किया था। थाईलैंड में इसकी बिक्री जुलाई 2018 से शुरू हो चुकी है। भारत के बाजार में इसे 2019 की शुरुआत में उतारा जा सकता है। फेसलिफ्ट एंडेवर का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा मॉडल से मिलता जुलता है, हालांकि इसमें कुछ मामूली बदलाव भी देखे जा सकते हैं। आगे की तरफ बड़ी थ्री स्लेट ग्रिल, नए फॉग लैंप्स और नई बायोजेनन हेडलाइटें दी गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाला फोर्ड का सिंक्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम और पुश बटन स्टार्ट स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर दिया जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव इंजन में देखने को मिल सकता है। डिजाइन और रंग रूप के साथ नई अर्टिगा का माइलेज भी है दमदार। कीमत के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मौजूदा मॉडल से थोड़ी महंगी हो सकती है। मौजूदा एंडेवर की कीमत 26.32 लाख रुपए से 32.81 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली के बीच है। माना जा रहा है कि फोर्ड एंडेवर के इस फेसलिफ्ट अवतार का सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, इसुजू एमएक्स, महिंद्रा अल्टुरस G4, होंडा CR-V, मित्सुबिशी आउटलैंडर और स्कोडा कोडिएक से होगा। इन खूबियों के साथ आएगी MG EZS इलेक्ट्रिक SUV। कार्डेक्रो काम के मुताबिक थाईलैंड में उपलब्ध फेसलिफ्ट एंडेवर में 2.0 लीटर का इको ब्लू डीजल इंजन दिया गया है, जो दो पावर आउटपुट के साथ आता है। एक की पावर 182 PS और टॉर्क 420 Nm है, दूसरे की पावर 215 PS और टॉर्क 500 Nm है। ये इंजन नए 3rd स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लैस है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यही इंजन भारत आने वाले फेसलिफ्ट एंडेवर में दिया जा सकता है। थाईलैंड में उपलब्ध फेसलिफ्ट एंडेवर में कंपनी ने ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, AEB, हाइड्रेशन और व्हीकल डिटेक्शन जैसे फीचर दिए हैं। 2019 में भारत में आने वाली एंडेवर में ये फीचर मिलने की उम्मीद नहीं है। भारतीय मॉडल में मौजूदा मॉडल की तरह 7 एयरबैग, ABS, EBD, हिल लॉन्च असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल TC जैसे दिए जा सकते हैं।